तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक के स्टॉक के बारे में। इंडियन बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो आप देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेंड सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली है। अभी लास्ट ट्रेड सेशन में भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.10% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 408 का पहला यहाँ सॉरी 405 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 391, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 379 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 367 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में भी हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 417 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 437, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 463 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 485, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 500 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 525 और 550 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।